मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खड़े होकर जब खुतबा दिया, उस खुतबे में भी नबी पाक ने मेयार इज्जत कायम फरमाया। हम अपने अपने मेयार बनाए बैठे, मेरी बरादरी बड़ी तो मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा कबीला बड़ा तो मैं इज्जत वाला हूँ, इस शहर में मेरे लोग बड़े तो मैं इज्जत वाला हूँ। रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खड़े होके सहाबा के 1,44,000 के मजमे को खिताब किया और उन लोगों को खिताब किया जिनके बारे में फरमाया, सहाबी कन नजूम, ये सारे मेरे सामने सितारे खड़े हुए हैं। सितारों को बात दी और ये भी फरमाया, बल्ली गुवन्नी वल्लहु आया, अब ये बातें लेके दुनिया में निकल जाना, लोगों को बतलाना। हुजूर क्या फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, बोलिए बोलिए, गोरे को काले पर, बड़े को छोटे पर, छोटे को बड़े पर कोई फजीलत। तो हुजूर फजीलत किसकी है, फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, फरमाया तुमसे जो ज्यादा परहेजगार होगा रब रसूल की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये देखो कि तुम में से गुनाहों से ज्यादा कौन बचता है। तो मेयार तकवे को करार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों के पास इज्जत ढूंढते हैं, लोगों के पास, मैंने कहा भाई पानी शहराओं से नहीं मिलता, दरियाओं से मिलता है। इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत खुदा रसूल से मिलती है। दुनियादारों के पास लोग माज अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम इज्जत पाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, गलत लोग नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने के लिए। लेकिन इज्जत बड़ा वही बनेगा जिसे खुदा बड़ा बनाएगा। इज्जत वही बने उसी को मिलेगी जो तकवे का रास्ता इख्तियार करेगा। अगर गलत राहें इख्तियार करके लोग इज्जत पा सकते, आज लोगों ने नाजायज पैसा इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ गए, तो फिर इज्जत मिल गई है? उस पैसे ने रुसवा कर दिया, वो पैसा रुसवा कर रहा है, वो बड़ी बड़ी जागीरें, वो महल्लात, वो रुसवा कर रहे हैं। मेरे भाई इज्जत वहां नहीं। एक बादशाह गुजरा है ईरान का, बहुत बड़ा रईस था। एक और दूसरे बादशाह ने, उसका नाम मकरान शाह था, उसने उस बादशाह से जंग की। जब ईरान को उस बादशाह से जंग करने के लिए पहुंचा ना, तो ये जो मकरान शाह उस जमाने में नौजवान थे तो हसीनो जमील बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे और बादशाह भी थे। अब जिस बादशाह से जंग करने गए वो कमजोर पड़ गया, बूढ़ा आदमी था, उसकी फौजें कुछ भाग गईं। अब उसने ना जान छुड़ाई, बहुत बड़ा किला था, किले होते थे छोटी ईंट की दीवार बनती थी बड़ी ऊंची, और आपने देखे होंगे लकड़ी के दरवाजे होते थे बड़े बड़े, वो किले के अंदर बंद हो गया बादशाह। अब वो खुफिया उसने जगह रखी हुई थी, बादशाह ने बनाया होता था कि जब हमने भागना है, अगर भागना पड़ा तो छुपना कहां है, वो पहले से रास्ता तैयार करके रखते थे। उसने वो किला बनाया हुआ तो छुपने के लिए, छुप गया। अब मकरान शाह कहता है कि मैंने सख्त जद्दोजहद की, सख्त कि कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, ये बाहर निकले, लेकिन वो कोई रास्ता ही ना मिला। उस बादशाह की शहजादी छत पे चढ़ी, मकरान शाह हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और शहजादा नजर पड़ी तो औरत थी, मायल हो गई। उसने पैगाम दिया, रुक्का लिख के भेजा, कहने लगी अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे तो मैं तुझे खुफिया रास्ता बता दूंगी अंदर आने का, इसलिए कि बाप तो मेरा अब कमजोर हो ही गया है और फिर तू नौजवान है और तेरी खूबसूरती और तेरे जाहो जलाल ने मुझे मायल कर लिया है। मैं अगर तू वादा करता है शादी का तो मैं तुझे रास्ता बताती हूं। बादशाह को तदबीर की जरूरत थी, उसने कहा मैं तैयार हूं, तो रास्ता बताओ। उसने रास्ता खुफिया बताया, वो मकरान शाह कहते हैं मैं वहां से अंदर घुसा, बादशाह को पकड़ा, उसके बाप को कत्ल किया, उसके इलाके पे कब्जा किया, उस औरत को लिया, आ गया, शादी कर ली। एक रात बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गई शहजादी, कहने लगी बिस्तर पे कुछ चीज है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खुद देख कर बिछाया। कहा नहीं कुछ है। कहा कुछ नहीं, मैंने देख के बिछाया है, इज्जत ढूंढने निकली है, बाप तो मेरा अब कमजोर हो गया तो मैं कोई बड़ा बड़ी जगह देखूं। मिल्लत के जवान भी कहते हैं बड़ी जगह शादी करूं, बच्चियां भी कहती हैं बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना, जो किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, उसे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह, अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की, अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है? कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं। लगा है कोई चीज? औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी,
तो नीचे से एक धागा निकला, हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है, एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। तो कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, चार कनीजाएं थी। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खेच खेच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, तो मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से, बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खेचो, इतना खेचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए, हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है? कहने लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप चार कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी, मेरी कैसे वफादार बनेगी? कोई बोल, अवलड़ा ना बोल बैठी, उन्दे खसम नाराज बड़ बोलियां दे, कां सिर खाए बुलबुल ठंड पाए। बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे, जिड़ियां खसमां दी विच रजा बसन भाग जाग जांदे ओना गोलियां दे। आप उदलियां सरदार खान तके, शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? दो लफ्ज, दो हरफ, और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सबर कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सबर कर जो रब ने दिया है। अगर तू हाथ फैलाएगा जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, लालच करेगा तो रुस्वा होगा। जो अल्लाह ने तुझे दिया है, जो रब ने, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। अपने आप को इतना आला समझ के, शुक्र के अंदाज कि जहां अल्लाह ने मुझे रखा है वहां कोई और मौजूद। तू शिकवे करता फिरता है, तू शिकायत करता है, मैं बड़ा कमजोर हूं, फलाना तगड़ा है, मैं बड़ा माड़ा हूं, फलाना मालदार है। ना ना शुक्री ना कर। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी ला शदीद। फरमाया तू मेरा शुक्र करता रहे, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर ना शुक्री करेगा तो मैं अजाब दूंगा, अजाब, और मेरा अजाब भी सख्त है। मेरे भाई इज्जत लालच में है, जिल्लत लालच में है, इज्जत कनात में। अपने जो अल्लाह ने दिया है उस पर सबर करें, हौसला करें। अपने घर को घर ना समझा करें, उसे महल समझा करें। अपनी कुटिया को महल जाने बच जाएंगे। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी गुजारी है, बड़ी खुशकिस्मत जिंदगी, बड़ी खुशकिस्मत। ये मेरे हजरत फरमाया करते, फरमाते ये जुमले कहा करो रब करीम ने जो वालदैन मेरे लिए पसंद किए वो मुझे अता फरमाए। जो बहन भाई हमने तो बाद में चेहरे देखे हैं तो हालात बदल गए। आज पता चला है देहाती लोग तो वली होते हैं, अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। ये तो सादे लोग होते हैं ना देहातों के। कोई खैरात लेने वाला दरवाजे पे आता तो मैं मदरसे का तालिब इलम था, मेरी अम्मा कहती जा दे आ, तो मैं कहता अम्मा ये तो ढोंग रचाए आया है, इसको देना ही नहीं चाहिए। तो अम्मा कहती बेटे इतना ही काफी नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ गया है। आज समझ आती है, आज ख्याल आता है कि वो सादे लोग जरूर थे, वो किताबें पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जो दर्स मोहब्बत उन्होंने पढ़ा था वो कम मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। नाज किया करे नाज। आज किसी को कोई पेंडू कह दे तो उसका सर झुक जाता है। ओ खुदा के बंदे, पेंडू होना तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे रसूल पाक पैदा शहर में हुए, परवरत जाके गाँव में पाई। जनाबे अब्दुल मुतलब कहने लगे मैं अपने पोते को गाँव में भेजूंगा, हवा भी ताजा है, जुबान भी खालस है, बंदे भी खालस है। हलीमा सादिया जैसी सादी बीबी, उसके यहां परवरिश पाई। सर उठा के दिया करो, सर उठा के, इज्जत ना ढूंढा करो। वो क्या इज्जत हुई? पड़ोसी को नहीं पता पड़ोसी कहाँ रहता है, पड़ोसी को नहीं पता। और हमने तो वो बस्तियां देखी हैं, वो नूर भरे शहर देखे हैं कि किसी गरीब की बेटी का ब्याह हुआ है और उसका दामाद आया है गली में, तो चौधरी साहब घोड़े से उतर गए हैं और दामाद को घोड़े पे बिठा के कहा है ये सिर्फ फुलां का दामाद नहीं, ये साढ़े पिंड का जवाई है, ये हमारे गांव, ये इज्जत है, ये वकार है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इज्जत वो है जो अल्लाह अता फरमाए। तो हम लोग इज्जत ढूंढने वहां निकले हैं जहां है ही नहीं, जहां इज्जत है ही नहीं। मेरे भाई याद रखें, और संजीदगी में इज्जत है, याद रखें।
हम लोग शुगल करके ज्यादा बातें करके आगे आगे बढ़ के कैमरे के आगे होके आगे जाके इज्जत हासिल करना चाहते हैं, ये इज्जत नहीं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे वाले दिन बाद में आया और आगे निकला, आया बाद में, निकला आगे, आगे की तरफ बढ़ा, लोगों की गर्दने बलांग के आगे गया, फरमाया उसने तो जहन्नम की जानिब पुल बनाया अपने लिए, रास्ता बना लिया दोजख जाने का। और फिर जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की जरूरत तो नहीं होती, जो बड़ा होता है उसको नशिस्त की आदत। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह गए दावत पे, दावत पे गए, हमें नशिस्तों की जरूरत है, बड़ाई की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत। आप दावत पे तशरीफ ले गए तो पीछे जूते पे बैठ गए, रश बहुत ज्यादा था, तो मेजबान कहने लगा हजरत आगे आइए, फरमाने लगे यहीं बैठा रहने दो। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे अगर मेरी कोई इज्जत है ना तो मैं यहां बैठूंगा तो मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, मेरी इज्जत में कमी, याद रखें इस बात को, याद रखें इज्जत इंसान की। देखे ना सदर अगर ऐवाने सदर में हो तो फिर भी सदर ही होता है, और अगर अपने गांव चला जाए तो फिर भी उसको नशिस्त की जरूरत है, वो जहां रहता है वहां। एक बुजुर्गों की मैंने बात बड़ी अच्छी सुनी, मैं भी अपने मेरे प्यारे बड़े हैं कादरी साहब, मैं इनसे अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं आप हर रोज याद कराते हैं कि ये मुफक्करे मिल्लत है, भूल जाता है लोगों को, कल भूल गया था, ये जुमले को भूलते नहीं है ना जी, कोई जरूरत क्या है इन अलकाबात की, क्या है इनकी, कोई हाजत नहीं होती। वो एक बुजुर्ग थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था, दिल को लगी, कहने लगे मैं जल से पे आता हूं तो मैं दोस्तों से कहता हूं मेरा नाम ना पुकारो, नकीब से कहता हूं नाम ना पुकारो, बस कह दो हजरत आ गए तकरीर करेंगे। तो कहते मुझे नकीब कहने लगा हजरत साहब सबको नहीं आपका पता, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। तो सादे आदमी थे ना, बड़ी प्यारी बात समझा गए, कहने लगे तेरे नारे लगाने से मेरी इज्जत को बढ़ेगी नहीं, जिसको नहीं ना पता होगा वो दूसरे से पूछ लेगा ये कौन आए हैं, जिसको पता नहीं ना होता पूछ नहीं लगता भाई कौन है यार, बड़े बंदे उठे ने कौन है। तो कहते हैं जिसको नहीं पता होगा वो साथ वाले से, जरूरत नहीं है, जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर अलकाबाद की कोई उसमें गुंजाइश है। तो हम इज्जत जान बूझ के बढ़ बढ़ संजीदगी में इज्जत है वकार में। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन सामत नजा, जो चुप कर गया वो निजात पा गया, जो चुप कर गया वो चुप कर सें ते मोती मिल सन जिक्र करें ते हीरे, चुप कर सें ते मोती मिल सन जिक्र करें ते तजे पागला वांगू रौला पावे ना मोती। तू चुप रह के देख, चुप रह मन समत न जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाते एक बादशाह का शहजादा मेरे साथ आया, कहने लगा मुझे हदीस की समझ नहीं आती, ये हदीस क्या है, चुप रह गया तो बच गया, चुप रह गया तो इज्जत पा गया, क्या मतलब है इसका। आप फरमाने लगे मैं उसे जंगल में ले गया, मैंने कहा आज तोते का शिकार करना है, तोते का। कहने लगे जंगल में पहुंचे तोता ढूंढने लगा, तोता ही कोई नहीं मिलता, अचानक एक दरख्त पे तोता बोला, तोता जब बोला तो उसने तीर मारा, तोता गिर गया। मैंने कहा बेटे समझ आई है हदीस की? कहने लगा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तोता भी सब्ज था, पत्ते भी सब्ज थे, अगर बोलता ना तो मरता ना, अगर बोलता ना तो ये भोला है तो इसलिए मारा गया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चुप रहेगा तो बच जाएगा, चुप रहेगा तो वकार पाए, शोर करते शोर करते आगे बढ़ते उसका नुकसान होता है इज्जत संजीदगी में, खामोशी में। हम लोग तकब्बुर में इज्जत तलाश करते हैं, गुरूर में, मेरे सामने बोलता कोई नहीं। और सुनो भाई याद रखना इज्जत उसकी नहीं होती जिसके सामने डरता हुआ बात कोई नहीं करता, इज्जत उसकी होती है कि हर गरीब आदमी जिसके दरवाजे पर जाके बैठ जाए और कहे यार ये सब की सुनता है मेरा भी दुखड़ा सुन लेगा, उसकी इज्जत है। जिसके कदमों में बैठ के लोग दुख सुना ले कि नहीं नहीं ये अश्कशोई करने वाला, जिसके पास बच्चे भी ना आए बेटे भी ना आए, इज्जत तकब्बुर में नहीं। सुनो मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीन लफ्ज हुजूर के, तीन लफ्ज, और ये आज ना रट लेने आपने, मौसम भी बड़ा हसीन है और आज रमजान मुबारक का एक कशरा भी गुजर रहा है, अल्लाह पाक सारी रहमतें हमें अता फरमाए, सारा करम अल्लाह नसीब फरमाए, ये रट ले। मेरे नबी पाक ने फरमाया तीन काम करो तुम्हें फायदा होगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने इसका तजर्बा किया इस हदीस का, और आप फरमाया करते थे मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरे नबी ने कहा हक और साची का है, हक और सच का। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, सदका देने से माल जी क्या करने से, ये वादा है नबी पाक का, सदका देने से पैसे। अच्छा बताए ना जी मुझे हजार में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए, तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते, हजार दे दिया तो बाकी कितना बचा,
नहीं भाई, मेरे माबू फरमाते हैं तो अल्लाह के रस्ते में एक दे वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती। माजरत करने से इज्जत में कमी, अल्लाह अकबर, माजरत करने से इज्जत में कमी। और हद कर दी मेरे हबीब ने, फरमाया तू रब की रिजा के लिए आजी कर, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तू झुक जा अल्लाह की रिजा, आजी इख्तियार कर, सादगी इख्तियार कर, सादगी आजी कर, तुझे अल्लाह एक दो बातें इसमें शाह, एक माजरत कर गलती हो जाए, दूसरा पहले आजी की बात सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, सोए हुए थे, गुलाम भी पास आराम कर रहा था, मेहमान भी आए थे, गुलाम की ड्यूटी थी हर वक्त हजरत के पास रहना। अब सोए हुए देर हो गई, गुलाम बेचारा थोड़ा थोड़ा ऊंग आते आते सो गया। हजरत चिराग रोशन था, कुछ लिख रहे थे, मेहमान बैठा था, खादम सो गया। अब चिराग ना आहिस्ता आहिस्ता गुल हो गया, बुझ गया। हजरत उठे, बूढ़े आदमी थे, चिराग सही करने। मेहमान कहने लगे हुजूर मैं ना कर दूं, मैं ना कर दूं। कहने लगे नहीं तुम मेहमान हो, मेहमान से खिदमत नहीं ली जाती। तो उसने कहा गुलाम को जगाइए। फरमाने लगे अभी तो बेचारा सोया है, और नींद से बेदार कर दूं। खुद गए उसमें तेल दोबारा डाला, बत्ती ठीक की, जलाई, वापस आ गए। वो मेहमान अब बादशाह का मेहमान भी तो को बादशाह ही होगा ना। कहने लगा हुजूर आप अपने काम खुद करते हैं, क्या लफ्ज है, क्या हुसन है, और दो जुमलों में क्या तासीर है। आप फरमाने लगे हाँ मैं अपने काम खुद करता हूँ, जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब चिराग सही करके वापस आया हूं तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूँ। मेरे अंदर कोई तब्दीली आई, मैं वही हूँ जो गया था। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं बैठा था, और अभी तीन दिन हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले जाहिरी को, मैं बैठा हुआ था, दो तीन बच्चियां आ गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आके बैठ के रोने लगी। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का बच्चियों रोती क्यों हो? तो कहने लगे आप खलीफा बन गए हैं, जब से हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था हमारा जरिया मुआज ये था कि हमने बकरियां रखी हुई थी, आप रोज आते थे, बकरियों का दूध धोते थे, हम पी भी लेती थी, बेच के गुजारा भी कर लेती थी, अब आप तो खलीफा बन गए, कौन आया करेगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे तुम्हें पता है जो खलीफा होता है वो तो खादम होता है कौम का, मैं आया करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना रोजाना उठते असर के बाद और जाते खलीफा होने के बावजूद उन बच्चियों की बकरियों को पकड़ते, दूध धोते, उनके घर में देके आते। हजरत फारूक आजम जब भी देखते तो कहते अबू बकर तू पीछे आने वालों के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर रहा है, बड़ा मुश्किल कर रहा है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु सूबे के गवर्नर थे, सादा सा लिबास पहनकर, सादा सा, बस स्टॉप पे खड़े थे जहां से लोग अंदर दाखिल होते थे, जहां सवारियां बांधी जाती थी, आज हम अपने जुबान में उसे बस स्टॉप कहते, बाहर खड़े थे। कोई मेहमान आ गया किसी का, उसने देखा सादे से कपड़े हैं, खस्ता सी हाली है, उसने समझा कोई कुल्ली है शायद, माज़ल्लाह मुलाजम है। कहने लगा वो खादम इधर आओ, इधर आओ, आप करीब गए। कहने लगे मेरा सामान उठाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं जब तू इल्म पढ़ने बैठता है तो ये भी ख्याल करना तेरे अंदर तकब्बुर का बूटा ना लग जाए, आजी इख्तियार करना। आज ही सर पे रखा हुआ है सामान हजरत सलमान फारसी ने गवर्नर साहब ने उस आदमी का मेहमान का सर पे सामान रखा और जा रहे। सुनो और गौर करो, जब जा रहे थे जो आदमी भी मिलता गवर्नर साहब हमें दे दे। मेहमान परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर आप गवर्नर है? फरमाने लगे नहीं, ये तो मेरा दुनियादारी का नाम है जो इन लोगों ने रखा हुआ है, असल मेरा नाम वही है जो तूने लेके पुकारा है, असल नाम वही है। तूने कहा गुलाम इधर आ। आप फरमाने लगे पहले मैं एक यहूदी का गुलाम था, फिर रब ताला ने फजल किया तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया, रसूलुल्लाह का गुलाम, और जब मैं नबी पाक का गुलाम हुआ हूं तो इस सारे सूबे का इमाम हो गया हूं, तो असल तो मैं गुलाम ही हुआ ना। दूसरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो आजजी से इज्जत मिलती है, तकब्बुर से इज्जत, वो जो बंदा झिझकता है ना तेरे नेड़े जाने से, तू कहता मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो इज्जत नहीं करता, शेर की इज्जत होती है कि खौफ होता है, बोले ना तो नहीं ना डर लगता, देखो शेर का क्या होता है खौफ, इसकी इज्जत नहीं होती, तो दरिंदा है, दरिंदों की भी कभी इज्जत होती है। तो जो आदमी डंडे के जोर पर लटका के डंडा और वो लोगों से इज्जत करा रहा, तो भाई ये तेरी इज्जत नहीं है, तेरा खौफ है, इज्जत आजजी में है, इनके सारी में है। और दूसरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्जत माफ करने में है। इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत,
ये हकायक है। इज्जत बदला लेने जिसने एक थप्पड़ के जवाब में दो मारे वो बाइज्जत नहीं। बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़ु इबादा का या अल्लाह, ए अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है। तो हजरत मूसा कहते हैं रब करीम ने फरमाया इजा कादरा गफारा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है। जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला है, इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था। दिल्ली की जामे मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत यह थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था, सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है इसे औलाद अता कर दे। दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको, दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी, उसने आके कहा दुआ के लिए सामने खड़ा हुआ तो हजरत कहने लगे ए अल्लाह बीमार है, वो कहता मेरे दिल में बात थी मुझे बतानी नहीं पड़ी। इत्तकु फिरासत अल-मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मोमन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, नूर इलाही से भाग, मैं बीमार हूं कहना नहीं पड़ा, हजरत ने दुआ कर दी। अब जब इज्तिमा ज्यादा हो गया, लोग बढ़ गए, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी सफे बिछने लगी, तो बादशाह को टेंशन हो गई कि ये मौलवी मेरे लिए मसला ही ना बना दे कल को। उसने एक साजिश रची, एक तवायफ थी, उस तवायफ को कुछ पैसे दिए, कहने लगे एक्टिंग करनी है, कहने लगी फिक्र ना करें। जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया, हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के सीढ़ियां उतर रहे थे, साइलीन का रश था, इधर भी लोग थे इधर भी लोग, हजरत जा रहे, हजरत नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, दाएं बाएं लोग हैं। वो बीबी आगे बढ़ी और इस तरह उसने गुफ्तगू शुरू की जैसे बड़ा पुराना जानने वाली है, पता क्या लफ्ज अदा करती है, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम, कैसी तबीयत है, रात तो फिर आप आ गए मुलाकात ही नहीं हो सकी, वो माफ कीजिएगा इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के, तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना मद्दो जजर होने लगा, जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहां होता है, हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते हैं उजरे में होता है, ये रात को कहां होता है, कहां होता है रात को, जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना, सारे ऐसे नहीं होते, जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलने हजारा असा नहीं यार बटाना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा है वो देख ही कोई नहीं सकता, कोई जो मर्जी, कुछ मद्दो जजर का शिकार है। हालात बदलने लगे, अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है, कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, आपने अपना हाथ उठाया जेब में डाला, उल्टा हाथ पैसे निकाले और सीधा हाथ उस बीबी के सर पे रखा, कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए, और फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी, कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तखलीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक है, मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज अल्लाह, और मैं फुलाब बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवायफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे ही बेटी बना लिया है, आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी, ये लफ्ज कहे कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी आंसू पूछे नकाब ओढ़ा, कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है, अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवायफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, अब कयामत तक वहां से या दुरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पढ़ी जाएगी। ये इज्जत है, ये वकार है भाई, आप किसी को माफ करके तो इज्जत ले सकते हैं, ये भी तो हो सकता था ना, पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे पीर पर इल्जाम लगाने आई, पकड़ो मारो, ये भी काम हो सकता था, लेकिन हजरत ने माफ किया, माफ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे मुस्तफा करीम के नवासे, इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे,
और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं अगर एक महीना उमरा करने ना जाऊं तो हजरे अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजरे अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लेकर हजरे अस्वद भी उधर उधर जाता था तवाफ। इतनी बड़ी शख्सियत मस्जिद नबवी से निकले तो एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीजा सजा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार ने कीतियां दा मन आनम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे ठहर जा, जाना ना रुक में आया। कहते अंदर गए, एक बोतल सिरके की लाए, एक बोतल शहद की लाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे तोहफा है। कहते मैं अब तो मार ही गया। मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है, इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके अखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो। कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। पर मैं आप तो तारीफ के, तो भाई याद रखें आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था, ज्यादातर मुखालफतें हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा महबूब तेरे ये तेरे साथ जो ज्यादती करते हैं माज अल्लाह बेदबी करते हैं हसद मिन इन दियान फुसीम, इनके दिलों में तेरा हसद है, हसद बुनियादी वजह है इख्तलाफ, हसद होता है जो वजह बनता है। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की, यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए, पहले रईस आजम होता था फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई, ज़ौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है, तो कहने लगी आपको पता है ना अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है अंधेरे में रोता है, रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है, उसने मुखालफत की जिंदगी भर, अंदाज क्या है, बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगे ओ भाई सुन ले मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है, एक मैं हूं दूसरा तू है और तू मुझे अच्छी तरह जानता है, बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना, फरमाया मेरे बड़े हो गए तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका ही ना दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं बाहर गया नया चिराग नई बत्ती नया दिया, कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा।
कहते उन्होंने दिया दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया। कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया। पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी रोना, मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए। भाई याद रखें, समझें, गौर करें, इज्जत दरगुजर से, अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, इज्जत दरगुजर से मिलेगी। एक तो आपको इज्जत आजजी से मिलेगी, तकवे से मिलेगी, इज्जत दरगुजर से मिलेगी, इज्जत कनात से मिलेगी, इज्जत कम बोलने से मिलेगी। और अगर ज्यादा इज्जत लेनी है, और इज्जत इतनी लेनी है कि छा जाओ दुनिया में, अगर छा जाने का शौक हो ना तो फिर रब फरमाता है मेरे मुस्तफा की गुलामी कर लो, फिर मेरे नबी के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया तुम मेरे नबी के हो जाओ, दुनिया भी तुम्हारी और दुनिया बनाने वाला खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम मेरे गुलामी मुस्तफा में इज्जत है, रसूलुल्लाह की नौकरी में, और कसम अल्लाह की बड़ी इज्जत है, बड़ी इज्जत है, बड़ा वकार है, बड़ा प्यार, बड़ा हुस्न है, बड़ी रानाई है, बड़ा ठहराव है। यार वो जो लोग कहते हैं ना मैं पता नहीं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, यार नहीं लोग पूछते तू कौन था, तेरी बरादरी क्या है, तू कहां का है, नहीं पूछते। तेरे लबों पे अगर जिक्र मुस्तफा है तो दुनिया तेरी गुलाम है, अगर तू हुजूर का है तो फिर सारे दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, और जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दाहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। रसूलुल्लाह की गुलामी इज्जत देती है, नबी पाक की नौकरी, अल्लाह करे आप बोल पड़े आमीन कहना, नबी पाक की गुलामी इज्जत, हुजूर की गुलामी। यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गो यहां आ जाए, हजरत जी यहां आ जाए, तो फिर इज्जत किस चीज की हुई, सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या, कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब, तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई, चार सालों में हिफ्ज होता है तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है, अरसे निजामी 8 साल में होता है मुफ्त का अल्लामा बन गया है, तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने, इज्जत। मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत दरे रसूल पे है, इज्जत हुजूर की। आला हजरत ने एक बात लिखी है बड़ी कीमती, और मैं ना जब कभी परेशान होता हूं ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूं आला हजरत, ये बात ढारस बंधाती है, ढारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बैरूपिया था मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार आदमी, वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर तो भिखारी आ गए खैरात मांगने, उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवें तक कटा ली, बदरंग होके आया, कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया, कहने लगा मैं उस्ताद हूं, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते,
एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलम की, तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलम की पूछने लगे यहां क्या है, कहने लगे एक बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, अच्छे काम जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं, घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी कार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूं। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहां अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था, थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाहने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नुरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते मैं उनके पास अत्तायात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, दो चार नसीहतें भी कर डाली, देखना जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना, जब तू जीत फखर ना करना, गुरूर ना करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो दो चार दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा ही नाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहां चढ़ा कहां खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने, बता तू क्या लेगा अब, तू देख जल्दी बता अब कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा। उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए हैं, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देकर बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा, मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा दो साल बीत गए तुझे मेहनत करके, आज काबू आया तो ले जाऊं। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। तो कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं, अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाएगा, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजेगा। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, कौन जी अल्लाह, ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, क्यों? फरमाने लगे फिदा होके उन पर ये इज्जत मिली है, फिदा होके उन पर ये। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, दस्तरखान साफ होता है, रोटी बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे, हजरत सलमान फारसी ने समेटा मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया, एक सियाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे, दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे, कान में बात की कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की, लेकिन जनाब सलमान फारसी आला लेलान बोले, कहने लगे इन चार पांच छह दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं, ये चार पांच दुनियादार
दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं। फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे, मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था। ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है, ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। और भाइयों हद हो गई। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत बिलाल आए जनाब उमर से मिलने। कैसे वो किस रबी आए तो उमर खातर में न लाए, पर बिलाल हबशी दरवाजे पे दाखिल हुए तो फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ बांध के कोने में खड़े हो गए। काला रंग है, नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है, लोग कहने लगे, उमर तू कैसे हो, किसरा से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे, चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया, नहीं चुप कर यार। बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे, हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब मां का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीका, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे, बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया, वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था, बुत टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया, चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेहराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया, कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें, इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है, रमजान का महीना है, दसवां रोजा है, हजरत खतीजा का यौम विसाल है, ना देखो दुनिया क्या कहती है, ये देखा करो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। नबी पाक, छोड़ दो सारी दुनिया के धोखे, सारे फैशन, सारी रसूमात, सारी तोहमात छोड़ दो, छोड़ दो, सीधी तवज्जो मदीने वाले महबूब की तरफ करो। जैसे हुजूर कहें वैसे करो, जिस बात में मुस्तफा राजी हो वो काम करो। रब फरमाता है, दुनिया में भी इज्जत दे दूंगा, आखिरत में भी इज्जत दे दूंगा। इज्जत गुलामी रसूल में है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी, फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साकी, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आमे साकी, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आमे साकी।